दोस्तों, मैं आपका YouTube चैनल स्टॉक मार्केट दबंग पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आने शुरू हो चुके हैं और अभी जिस कंपनी का अभी भी थोड़ी देर पहले रिजल्ट आया, उस कंपनी का नाम है शेल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स। ये एक, जैसे आप जानते हैं, हॉस्पिटल बिजनेस में काम करती है और इसका जो सितंबर क्वार्टर का अगर प्रॉफिट आप देखें तो 242 मिलियन, दैट इज 24.2 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है। और अगर इसी को हम कंपेयर करें लास्ट ईयर के Q1 फाइनेंशियल ईयर 21 से कंपेयर करें, इसी साल के उसने लॉस रिपोर्ट किया था 8.6 करोड़ का। तो उस नज़रिए से आप देखें तो हम देख सकते हैं कि इसने रिजल्ट्स काफ़ी बेहतरीन पेश किए हैं। आइए हम थोड़ा सा इसका डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं। अगर हम देखें तो ये एक ग्रोइंग हॉस्पिटल है, अभी नया नया है, इसके पास 11 हॉस्पिटल्स हैं और 2 हॉस्पिटल और अभी रेडी होने ही वाले हैं इनके। और इनके बहुत सारे कंट्री में, बहुत सारी जगह पे इनके आउटलेट्स, आउट पेशेंट आउटलेट्स हैं और इंडिया के बाहर भी इनके आउट पेशेंट आउटलेट्स हैं। अब देखिए, इसका अगर हम देखें तो Q1 में इनका रेवेन्यू, जो कि इस साल का जून का क्वार्टर था, 384, उसकी हम बात नहीं करें, हम लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं। अब देखिए, लास्ट ईयर इसका जो रेवेन्यू था वो था 125.8 करोड़, और इस साल का जो रेवेन्यू है वो 109.3 करोड़ था। तो थोड़ा सा रेवेन्यू में कमी आई है और रेवेन्यू में कमी आने का रीज़न बेसिकली ये कोविड रिलेटेड इश्यूज ही हैं और इसमें और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं कि इसका जो एबिटा है वो पिछले क्वार्टर में, जून के क्वार्टर में, जो कि कोविड का क्वार्टर था, लॉस में था 2.5 करोड़, और पिछले साल सेम सितंबर क्वार्टर में 30.7 करोड़ था और इस बार इसने बहुत ही अच्छा बेटा आया है, मींस ये प्री कोविड लेवल पे और लास्ट ईयर के लेवल्स पे आ चुका है, जो कि एक बहुत ही एक पॉजिटिव थिंग है इस शेयर के लिए। 31.4 करोड़ पे रिपोर्ट किया है और आप अगर देखेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन्स भी कितने बढ़िया से बढ़ के आए हैं। जून क्वार्टर में जो इसके मार्जिन्स -21.2% थे और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 10% थे, इस साल 21.6% पे, तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट इस कंपनी ने पेश किया है। अगर हम इनको थोड़ा सा अपने और कंपैरिजन करके देखें तो देखिए आप, Q1 जो था इस साल का, जून के महीने का क्वार्टर एंडिंग था, जो कि कोविड का भी क्वार्टर था, आप देखिए 3,664 आउट पेशेंट देखे थे और अब Q2 में इन्होंने डबल कर दिए हैं, ऑलमोस्ट उससे भी ज़्यादा, 7,573 पेशेंट्स इन्होंने देखे हैं। डे केयर पेशेंट की भी संख्या 3,763 से बढ़ के 5,026 हो गई है और आउट पेशेंट की भी आप देखिए तो काउंट्स जो है वो 32 से बढ़ के 56 हो चुका है। सर्जरीज देखिए 843 से बढ़ के डबल से ज़्यादा के आसपास हो चुकी हैं, 1,622। एंड बाकी अगर हम देखें तो बेड कैपेसिटी इनकी अभी 2,000 के आसपास ही है, अभी 2 इनके हॉस्पिटल रेडी होने वाले हैं, ऑपरेशनल बहुत जल्दी हो जाएंगे, और बेड्स जो इनके पास है वो 1,200 के आसपास हैं और उसमें भी अभी कोई रिसेंटली चेंज नहीं आया है। तो अगर आप देखें तो हर पैरामीटर पे ये स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इस क्वार्टर में। ये जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आप देखिए, ये एंथ्रोप्लास्टी हो गया, एंथ्रोस्कोपी हो गया, कार्डियोलॉजी हो गया, कार्डियोथ्रोसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी हो गया, कॉस्मेटिक, डेंटल, इमरजेंसी मेडिसिन, एंड्रोक्रोनोलॉजी, एंडोस्कोपी, ENT, गैस्ट्रेंटोलॉजी, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, हेयर प्लांट, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट इनका बहुत बड़ा बिजनेस है, इन्फेक्शियस डिजीज, इनफर्टिलिटी एंड IVF, इंटेंसिव केयर, नी जॉइंट रिप्लेसमेंट्स, लिवर ट्रांसप्लांट्स। तो ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें यह हॉस्पिटल काम नहीं करा, कोई ऐसा पिलर नहीं है मेडिसिन सेक्टर फील्ड में जिसपे ये काम नहीं कर रहा। अगर हम देखें तो इनके अभी 11 हॉस्पिटल रेडी हैं और 11 हॉस्पिटल्स में आप देख सकते हैं कि 2,012 बेड्स हैं और अपकमिंग जो 2 यूनिट्स हैं वो महाराष्ट्र में मुंबई और नासिक में, उनकी टोटल कैपेसिटी 288 है और जैसे ही ये हॉस्पिटल चालू हो जाएंगे तो इनकी जो कैपेसिटी है 2,300 के आसपास हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं पंजाब में इनके पास मोहाली में 145 बेड्स हैं, राजस्थान में 237 हैं, गुजरात में आप देखिए कितने 6 हैं इनके पास हॉस्पिटल, मध्य प्रदेश में 2 हैं, महाराष्ट्र में भी 1 है, 2 अपकमिंग हैं। तो बेसिकली इनका जो ग्रीन ट्रायंगल्स आप देख रहे हैं ये इनके आप देख सकते हैं बेसिकली आउट पेशेंट जो डिपार्टमेंट है ऑल ओवर इंडिया इनका फैला हुआ है। और वैसे अगर इनकी अगर इंटरनेशनल प्रेजेंस देखें तो आउट पेशेंट क्लिनिक इनके 5 आउटसाइड इंडिया में भी है, ये वहाँ पे आउट पेशेंट क्लिनिक्स में लोगों को देखते हैं और उनको सर्जरीज रिकमेंड करते हैं और वो लोग सर्जरीज इंडिया में आके करवाते हैं। तो ये हॉस्पिटल अच्छा कर रहा है इस फील्ड में। ये जो इनके 2 हॉस्पिटल आ रहे हैं उनका उन्होंने अपडेट बताया है, ये बिजनेस मॉडल इनका रेवेन्यू शेयरिंग है और 175 सेंटा क्रूज वाला है और 113 बेड्स का जो है नासिक का है,
और इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 160 करोड़ है और ये 31 करोड़ है, और ये 2024 में हो जाएगा रेडी और 2023 में हो जाएगा। सबसे बड़ी बात जो इस रिजल्ट्स में है कि इसकी जो ऑक्यूपेंसी है हॉस्पिटल की, जैसे आपको मैंने बताया है, इस ऑक्यूपेंसी सिर्फ 41% है और उसका प्रॉफिट 24.2 करोड़, मीन्स लॉस से प्रॉफिट में आया है और मार्जिन्स भी बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ के 21% से ऊपर चले गए। अगर इनके बेड्स अभी नहीं भी बढ़ते हैं और इनकी सिर्फ ऑक्यूपेंसी ही डबल हो जाती है तो आप सोचिए कि इसके प्रॉफिट कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। तो उस मामले से अगर हम देखें तो ये एक बहुत ही मेरे हिसाब से लंबे समय से इन्वेस्टमेंट करने वाला शेयर है, और आपको मालूम है हॉस्पिटल बिजनेस में किसी को नुकसान होता नहीं है। और ये इन्होंने अपने बाकी हॉस्पिटल्स का जो अपडेट दिया है, इन्होंने क्या काम किया है इस क्वार्टर में, ये सब इन्होंने दिया हुआ है। इसका मैं लिंक आपके अपने YouTube वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस पर जा सकते हैं और डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा इसका मैं फंडामेंटल्स बता दूं। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, अभी 3-4 साल पहले ही इसने काम करना शुरू किया है और अभी देखिए 1,000 करोड़ का तो सिर्फ इसका मार्केट कैप है। इसकी पी आपको जरूर दिख रही है 158, मैं आपको बताता हूँ कि ये इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है, कोई इसमें रिस्क नहीं है। ये हाई पी इसलिए है बिकॉज इस स्टॉक जो कोविड के क्वार्टर में थोड़ा सा इसने 9 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था उसकी वजह से इसकी पी थोड़ी सी हाई हो गई है, लेकिन इस क्वार्टर में इसने अच्छी रिकवरी की है। तो पूरे साल में अगर हम देखेंगे तो इसका फाइनेंशियल ईयर 21 का पी बहुत कम होगा और कंपनी अच्छा परफॉर्म करने ही वाली है। अब देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ कि नेट प्रॉफिट जो कि लास्ट ईयर जून में 24 करोड़ था, इस साल जून क्वार्टर में कोविड के चक्कर में इस हॉस्पिटल ने थोड़ा हिट लिया है और -9 करोड़ हो गया था। लास्ट ईयर सितंबर में इसका 13 करोड़ था और इस साल अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 100% इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट है। तो नेट अगर हम हाफ ईयरली देखें तो ये जो कंपनी है ये प्रॉफिट में है, 15 करोड़ का नेट प्रॉफिट है अभी हाफ ईयरली। और अगर हम इसका लास्ट ईयर का पूरे साल का प्रॉफिट देखें तो कितना था, 28 करोड़। तो मेरे हिसाब से इस शेयर के लिए, इस हॉस्पिटल के लिए अपना ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ाना और अपना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल्स की इतनी कमी है और इतने गिने चुने हॉस्पिटल्स हैं कि ऐसे वाले हॉस्पिटल्स की अभी जो नए आ रहे हैं इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखिए इनका जो शेयर कैपिटल तो 108 करोड़ के आसपास ही है, रिजर्व्स इनके अच्छे खासे हैं 700 करोड़ के आसपास, और बॉरिंग तो है ही नहीं, हार्डली 40 करोड़। तो आप कह सकते हैं कि अपनी रिजर्व्स के हिसाब से ये एक डेट फ्री कंपनी है और डेट फ्री कंपनी ही है जो इस समय सर्वाइव करेंगी और अच्छे रिटर्न्स देंगी। अब देखिए इंट्रेंसिक वैल्यू के बारे में डेटा भी है नहीं क्योंकि ये ज़्यादा पुराना शेयर है नहीं, ये रिटर्न FD के से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। एंट्री पॉइंट इसका जो है अभी ओवरबॉट में नहीं है और कोई ऐसा रेड फ्लैग भी नहीं है, और प्रमोटर का देखिए बहुत हाई इसमें इंटरेस्ट है प्रमोटर्स का 80% के आसपास, और 80% का इंटरेस्ट का मतलब वो चाहेगा कि ये शेयर अच्छा करे, और उसी हिसाब से आप देख ही सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स ने इसमें होल्डिंग कम की है और ये होल्डिंग कम करने का अभी बिकॉज इसमें ग्रोथ फेज में है, धीरे धीरे मुझे लगता है इसकी होल्डिंग बढ़ेगी, लेकिन अगर आप DII की देखें तो उनकी होल्डिंग थोड़ी धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो चुकी है थोड़ी कम होने के बाद। FIIs ने भी अपनी होल्डिंग कम की है, लेकिन बिकॉज बहुत ही छोटा स्टॉक है, इट इज़ क्लोज टू माइक्रो कैप, जैसे ही इसकी थोड़ी मार्केट वैल्यूएशन बढ़ेगी इसमें लोगों का इंटरेस्ट आएगा। और आप देखिए रिटेल प्लेयर ने भी अपना इंटरेस्ट इसमें दिखाया है और इसमें शेयर्स बढ़त हुई है। तो अभी रिजल्ट देखने के बाद, इसका फंडामेंटल देखने के बाद, आइए थोड़ा सा इसका टेक्निकल देख लेते हैं कि कैश शेयर को हम लंबे समय के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। अब देखिए ये मैंने एक लाइन चार्ट दिखाया, अगर आप देखें तो ये 2017 से है, क्योंकि जब ये शेयर लिस्ट हुआ था एंड ऑफ 2017 तब से ये शेयर डाउन ट्रेंड में जा रहा है बिकॉज ये एक्सपेंशन फेज में है और इसमें एक्सपेंडिचर हो रहा है एक्सपेंशन के लिए, तो नेचुरली रिजल्ट्स जो है वो भी थोड़े से स्टेबलाइज्ड हैं। इट इज़ दे आर नॉट ग्रोइंग रिजल्ट्स, दे आर स्टैग्नेंट टाइप ऑफ रिजल्ट्स अराउंड 30 करोड़ पर ईयर के हिसाब से। तो आप यहाँ देखेंगे तो इसके जो हाईज हैं वो लोअर हाईज बन रहे हैं, यहाँ पे हाई बनाया फिर यहाँ पे लोअर हाई बनाया फिर यहाँ पे लोअर हाई, यहाँ से फिर यहाँ लोअर हाई, यहाँ इसने एक बनाने की कोशिश की थी लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया, और ये प्रॉब्लम बेसिकली कोरोना के चक्कर में हुई थी। अगर ये कोरोना का चक्कर नहीं होता तो यहाँ शायद बॉटम बना के ये शेयर ऊपर जाने के लिए तैयार बैठा होता। अब क्योंकि इसने यहाँ पे बॉटम बना के चढ़ना शुरू कर दिया है तो आप देखिए वहाँ से ये ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। अब मैंने ये ब्लू लाइन बनाया है, इनके टॉप्स को ऐड किया है, आप देखिए मंथली कैंडल्स हैं ये, ईच कैंडल इज़ 1 मंथ, उनको मैंने ज्वाइन किया उनके क्लोजिंग को। तो यहाँ से इसने इस लाइन को इसने क्रॉस तो कर लिया, अब इसके लिए जो रेजिस्टेंस है वो देखिए ये वाला एरिया रेजिस्टेंस है जो कि 110 रुपीज़ के आसपास आ रहा है। ये शेयर को अभी मंथली दैट इज एंड ऑफ द मंथ में जब भी है, चाहे अक्टूबर का एंड हो नवंबर एंड हो दिसंबर एंड हो, इसको 110 के ऊपर क्लोज होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जैसे ही 110 के ऊपर क्लोज होगा तो इस शेयर में तेज़ी आएगी, क्योंकि पहली बार मंथली बेसिस पे एक हायर हाई बनाएगा
जो कि यहाँ पर प्रीवियस हाई इसका 110 है। ये 110 के ऊपर 111, 12 कहीं पे ही बंद होता है एंड ऑफ द मंथ में, तो समझ लिए कि ये शेयर अभी बॉटम हो चुका है और इसमें अब धीरे धीरे बाइंग का मौका आ चुका है। सिमिलरली जब मैंने इसका जो अप ट्रेंड बनाया है, आप देखिए मैंने इसके भी क्लोजिंग्स को जो ऐड किया है, तो आप देखिए ये इस लाइन के साथ साथ अब धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो ये एक एरिया है, यहाँ पे आप देखिए अगर ये इस लेवल को क्रॉस कर जाता है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, तो ये एक शेयर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया हो सकता है। जैसे इसने आपको फॉल दिखाया है, वैसे ही आपको राइज भी दिखा सकता है। वो इसलिए दिखा सकता है क्योंकि हॉस्पिटल का बिजनेस है, लॉस भी तो जाएगा नहीं, रिजल्ट्स आपको मैंने दिखा दिए हैं। तो इसने बहुत तेज़ी से रिकवरी की है अपने रिजल्ट्स में, परफॉर्मेंस में, तो आने वाले समय में मुझे यही उम्मीद है। अब इसी चीज़ को अगर मैं आपको कैंडल स्टिक्स में दिखाता हूँ, तो देखिए वो सेम लाइंस मैंने मंथली कैंडल पे लगा रखी है, ईच कैंडल इज वन मंथ। अब ये एक लाइन है जहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे ये अप मूव कर रहा है और यही एक एरिया है जहाँ पे इसको क्रॉस करना है। एक बार ये क्रॉस करके बैठेगा तो कोई जल्दी नहीं है, आप आने वाले 6-7-8 महीने में धीरे धीरे अगर चाहें तो इसको ऐड कर सकते हैं। शेयर प्रॉफिट मेरे हिसाब से देखे जाएगा, और अगर इंडिकेटर भी देखें तो हम देखिए स्टॉकेस्टिक एक बुलिश क्रॉसओवर में है। अब देखिए एमएससीडी मंथली बेसिस पे इसने एक पॉजिटिव हिस्टोग्राम बनाया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अगर हम एडीएक्स को भी देखें तो एडीएक्स देखिए ग्रीन लाइन धीरे धीरे ऊपर आ रही है और मुझे लगता है बहुत जल्दी ये क्रॉस कर जाएगी। इसी को अगर हम रेंको चार्ट में देखें तो देखिए मंथली कैंडल पे एक तो फिक्स हो गया, अब ये चेंज होने वाली नहीं है, लेकिन अभी जो दूसरी रेंको कैंडल है क्लोज नहीं हुई। जैसे ही मंथली बेसिस पे इसका तीसरी कैंडल शुरू हो जाती है, लेट से एंड ऑफ द मंथ दैट इज 30th अक्टूबर के बाद, 31st अक्टूबर के बाद 1st नवंबर को तीसरी कैंडल शुरू हो जाती है ग्रीन, तो ये दो कैंडल से कंफर्म हो जाती है, तो मेरे हिसाब से अभी ये शेयर में डाउन ट्रेंड बहुत लिमिटेड रह जाएगा और ये शेयर धीरे धीरे हर ड्रॉप पे ऐड करने के लायक बनेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि ये अपना जो प्रीवियस हाई है जहाँ पे इसने लिस्टिंग की थी वहाँ तक तो ये आने वाले 1.5 साल या 2 साल में या उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा 2.5 साल भी लग सकते हैं, तो आराम से आ सकता है। और ओनली थिंग है कि हमें हर क्वार्टरली रिजल्ट्स का इसका ट्रैक रखना है और धीरे धीरे उस हिसाब से इसको ऐड भी करते जाना है। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि जो भी मैंने आपको चार्ट्स बताए हैं, ये मैंने आपको ज़ीरोडा पे बताया, ज़ीरोडा एक डिस्काउंट ब्रोकर है और इसमें अगर आप कोई शेयर खरीदते हैं बेचते हैं तो आपका बहुत ही कम चार्जेस लगते हैं। जैसे डिलीवरी, जैसे लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी शेयर खरीदते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसका ब्रोकरेज ही जीरो है, ये कोई पैसा नहीं चार्ज करता आपसे ब्रोकरेज के नाम पे। इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड्स पर ट्रेड ये सिर्फ 20 रुपये या 0.03 जो भी कम है वो चार्ज करता है, और मैक्सिमम तो 20 रुपये हो ही गया। और फ्री डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, कोई भी म्यूचुअल फंड डायरेक्ट लेते हैं तो भी आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं करता। तो मैं बेसिकली फाइनली यही कहना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये शेयर एक जो मार्केट में क्रैश भी आया है और इसमें जो इन्वेस्टमेंट फेज़ अभी चल रही है, ये एक शेयर वो हो सकता है जो कि लंबी रेस का घोड़ा हो सकता है। और जैसे कि आपने देखा अपोलो हॉस्पिटल्स और बाकी हॉस्पिटल्स प्रॉफिट कमा रहे हैं, उनके शेयर्स अच्छे खासे रेट पे चल रहे हैं, ये भी आने वाले कुछ सालों में अच्छे रेट पे जा सके, हमें मल्टीबैगर रिटर्न्स देने की क्षमता भी रखता है। एंड लास्टली मैं आपसे यही बताना चाहूँगा कि एक जो चैनल हमारा एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इसमें हम कोई सलाह नहीं मशवरा नहीं देते कि कोई बंदा हमारे कहने पर शेयर खरीदने बेचे। आप खरीदने से पहले अपना ज़रूर कंसल्ट करें फाइनेंशियल एडवाइज़र को और उसी हिसाब से आप अपना डिसीजन लें। एंड मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जितने भी रिजल्ट्स अपडेट हैं और मल्टीबैगर शेयर्स के अपडेट हैं वो आपको मिलते रहें। हमारे शेयर को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें ताकि हमें इनकरेजमेंट मिले और हम आपके लिए ऐसे वाले शेयर्स और ढूंढ ढूंढ के लेके आते रहें। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।